हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहिंदर कुमार। एक बार मैं फिर आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव ट्यूटोरियल्स बाय मोहिंदर सर में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 2+infinitive से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सकें। और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितनी आप लाइक करते हो वीडियो से उतना ही मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का, आपको कुछ नया प्रोवाइड करने का। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे टॉपिक की तरफ, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2+infinitive की हम बात करते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या होता है, V1 होता है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2+V1 का यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यूज्ड एंड ऑट, ये जो हमारे दो मॉडल्स होते हैं इनके बाद हम क्या लगाते हैं, 2+first form लगाते हैं। जरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल। सेकंड, ही ought to respect his parents, this is a second example। तो आप दोनों examples में देख सकते हो कि यहां used है, यहां ought है। हमने यहां क्या use की, 2+first form, यहां हमने क्या use किया, 2+first form। लेकिन जहां तक used की बात है, आपको एक चीज special ध्यान में रखनी है जो most of the competitive exams में पूछी जाती है और यहां बच्चे गलती करके आते हैं, वो क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है। अगर used से पहले क्या दे रखी हो, बी फॉर्म दी हो। अब बी की कितनी फॉर्म होती है, 5 forms होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। अगर यूज्ड से पहले इनमें से कोई भी फॉर्म दी हुई है तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, 2+V1+ING लगाते हैं। तो ये आपने स्पेशल ध्यान रखना है, अगर यूज से पहले बी फॉर्म दी हो तो यूज्ड के बाद हम 2+first form + ING लगाएंगे। तो चलते हैं हम इस एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल को देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज यूज्ड टू, ओके, डैश आ गया। अब हम 4 options लेते हैं। मान लो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है स्मोक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टू स्मोक, तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, स्मोकिंग, और हमारा 4th option दिया हुआ है स्मोक्ड। तो इन 4 में से हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि यूज्ड टू के बाद क्या दिया हुआ है, यूज्ड से पहले क्या दिया हुआ है, सॉरी, टू नहीं, यूज से पहले हमें क्या दिया हुआ है, बी फॉर्म दी हुई है। तो हम अब 2 के बाद 1st form + ING लगाएंगे। ये हमारा पहला रूल था। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ जहां हम 2+first form लगाते हैं। और दूसरा रूल क्या है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी सेंटेंस में टू दिया हो तो टू के बाद अगर आपको क्या दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो, जिसे हम विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, अगर टू के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो उसके बाद हमेशा क्या लगता है, 2+first form लगती है। चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू वीक, और आपको ब्लैंक दे दिया गया और आपको 4 options दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया वॉक, दूसरा ऑप्शन दिया गया टू वॉक, और तीसरा ऑप्शन अगर आपको दे देते हैं वॉकिंग दे देते हैं हमें, WALKING, और 4th हमें दे दिया वॉक्ड। मान लो हमें 4th option दे दिया, तो देखो अब टू के बाद हमें क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव विशेषण दिया हुआ है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, ही की, सर्वनाम की। तो टू के बाद अब क्या लगेगा, 2+first form, तो हम किसके साथ जाएंगे, टू वॉक के साथ। ही इज टू वीक टू वॉक। सो दिस इज द सेकेंड रूल रिलेटिंग टू 2+infinitive। चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि इनफ के बाद, अगर आपको सेंटेंस में इनफ दिया हुआ है और इनफ के बाद अगर ब्लैंक दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है, तो इनफ के बाद भी हम क्या लगाएंगे, 2+first form लगाएंगे। चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल, ही हैज इनफ मनी
ही हैज इनफ मनी डैश है ना अ कार, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आ गया ही हैज इनफ मनी अ कार। हमारे पास चार ऑप्शन आ गए, पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास परचेज, दूसरा ऑप्शन आ गया हमारे पास टू परचेज, और तीसरा ऑप्शन अगर हमारे पास आ जाता है परचेजिंग, और चौथा ऑप्शन अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है परचेज्ड। तो इन चारों में से हम क्या लगाएंगे, आपको क्या दिया हुआ है इनफ दिया हुआ है, इनफ के बाद आपको क्या दिया हुआ है ब्लैंक दिया हुआ है, तो इनफ के बाद हम क्या लगाते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम किसके साथ जाएंगे टू परचेज के साथ जाएंगे। लेकिन यहां मैं आपको इनफ से रिलेटेड भी एक रूल शेयर करना चाहता हूं जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेट किया जाता है, वो आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ये इनफ जो वर्ड है ये नाउन से पहले आता है। अब मनी हमारी नाउन है तो देखो ये पहले आया है, तो क्या ध्यान रखना है इनफ जो वर्ड है नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव विशेषण के बाद आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ही इज वाइज इनफ टू टेक गुड डिसीजन, मान लो ये हमारा पेपर में आ गया टू टेक गुड डिसीजन, तो देखो यहां भी हमने इनफ के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, लेकिन क्या डिफरेंस आया, वाइज हमारा विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है सर्वनाम ही की, तो हमने इनफ कहां यूज किया विशेषण के बाद, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल रिलेटिंग टू इनफ आल्सो, आपको क्या ध्यान रखना है इनफ नाउन से पहले लगता है और एडजेक्टिव के बाद लगता है, और इनफ के बाद हमेशा क्या लगेगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सो दिस इज द थर्ड रूल दैट वी हैव डिस्कस्ड रिलेटिंग टू टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। चलते हमारे फोर्थ रूल की तरफ, फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर आपको डब्ल्यू एच वर्ड मिल जाए, डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है हम हाउ को भी शामिल करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, तो डब्ल्यू एच वर्ड और हाउ के बाद भी क्या लगेगा आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और सेंटेंस क्या होगा सिंपल सेंटेंस होगा, पीछे फुल स्टॉप लगेगा। अगर आपको डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ब्लैंक दिया हुआ है तो भी आप क्या लगाओगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ डैश ए कार, ये आ गया हमारे पास हाउ आ गया। अब हमारे पास चार एग्जाम्पल आ गए, फॉर एग्जाम्पल चार ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, क्या ड्राइव, सेकेंड ऑप्शन इज टू ड्राइव, थर्ड ऑप्शन इज ड्राइविंग, फोर्थ ऑप्शन इज ड्रिवन। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड में हम हाउ को भी शामिल करते हैं, तो हाउ के बाद हम क्या लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसी प्रकार हम कहते हैं ना आई डोंट नो वॉट टू डू, व्हाट के पास हमने क्या लगाया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आपको फोर्थ रूल क्या ध्यान रखना है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या लगेगा हमारा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और पीछे फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस विल बी असर्टिव। हम चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ, फिफ्थ रूल क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री, क्या ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर के बाद भी हम क्या लगाते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज द फर्स्ट बॉय डैश द क्लास। अगर हमारे पास यहां फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एंटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू एंटर, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एंटरिंग, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एंटर्ड। तो देखिए यहां हमने हमारा क्या दिया हुआ है ऑर्डिनल नंबर आ गया, ऑर्डिनल नंबर आ गया तो हम क्या लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सी है टू एंटर। ऐसे आपने ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आपने की होगी, थर्ड डिग्री भी हम इसे सिंपल शब्दों में कहते हैं, है ना, जब तुलना क्या होती है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय,
टू कंप्लीट दिस टास्क. अब हमने डिग्री क्या यूज की, द मोस्ट टैलेंटेड, तो हमने क्या यूज किया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो आपको फिफ्थ रूल क्या ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद और ऑर्डिनल नंबर के बाद हम क्या लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. चलते हैं हमारे सिक्स्थ रूल की तरफ. सिक्स्थ रूल क्या कहता है, किसके बाद, ओनली के बाद. ओनली वर्ड दिया हो और उसके बाद ब्लैंक दिया हो तो ओनली के बाद हम क्या लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. कब लगाते हैं ये ध्यान रखना है, क्या दिखाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, निराशा दिखाने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट दर्शाने के लिए. फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही विजिटेड द हाउस Only dash it robbed. अब वो घर गया, किस लिए गया, कि चलो घर जाएंगे अच्छा सा महसूस करेंगे, लेकिन जब घर पहुंचा तो उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई. देखो क्या आया, he visited the house only dash, इसमें क्या निराशा मिल रही है उसको, कि उसने जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसका घर रोब हो चुका था, चोरी हो चुका था, लुट चुका था, तो निराशा हुई. तो इसमें अगर हमारे चार ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास फाइंड, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, टू फाइंड, ओके, थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा फाइंडिंग, फोर्थ ऑप्शन आ गया फाउंड. तो आप किसके साथ जाओगे, टू फाइंड के साथ जाओगे, क्योंकि ओनली के बाद अगर हमने फ्रस्ट्रेशन शो करनी है तो हम क्या लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. दिस इज द सिक्स्थ रूल. कम टू द सेवंथ रूल. हम सेवंथ रूल की तरफ चलते हैं. सेवंथ रूल में हम जानेंगे कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली एक और उद्देश्य के लिए भी लगता है. किसके लिए, टू शो पर्पस, टू शो पर्पस, ओके, पर्पस दिखाने के लिए, पर्पस मीन्स उद्देश्य दिखाने के लिए भी हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं, ही वेंट टू दिल्ली डैश अ कार. इसे आप पर्पस भी कह सकते हो और एक वर्ड हम इसमें ऑप्शन में और जोड़ सकते हैं, कॉज, उद्देश्य दिखाने के लिए या कारण बताने के लिए. ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, डैश ए कार. अब हमारे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं, क्या, परचेज, सेकंड इज टू परचेज, थर्ड इज परचेजिंग, फोर्थ इज परचेस्ड. तो आप देखिए यहां क्या लगाएंगे, हम टू परचेज लगाएंगे क्योंकि हम उद्देश्य बता रहे हैं. दिल्ली क्यों गया वो कारण भी आप देख सकते हो, उद्देश्य भी है कि वो दिल्ली क्यों गया, गाड़ी खरीदने के लिए. तो हम क्या लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस इन्फिनिटी भी हम क्या लगाते हैं, उद्देश्य या कारण को बताने के लिए. हम चलते हैं हमारे एट्थ रूल की तरफ, टू प्लस इन्फिनिटिव के एट्थ रूल की तरफ. अब एट्थ रूल क्या कहता है, जो भी सेंटेंस इंग्लिश में किससे शुरू होंगे, इट से शुरू होंगे, उन मैक्सिमम सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, टू प्लस इन्फिनिटिव लगाते हैं, टू प्लस इन्फिनिटिव लगाते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज ईजी डैश दिस वर्क, सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, तो यहां पर हमारा क्या लगेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा. इट इज ईजी डैश, फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल आ गया, पहला ऑप्शन आ गया, सॉरी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है टू डू, सेकेंड हमारा ऑप्शन आ जाता है डू, थर्ड ऑप्शन आ जाता है डूइंग, और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है हमारा डन. तो यहां हम किसके साथ जाएंगे, पहले ऑप्शन के साथ, टू डू. इट इज ईजी टू डू दिस वर्क. So, जो सेंटेंस इट से शुरू होंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. अब हम चलते हैं हमारे नाइन्थ और लास्ट रूल की तरफ, इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि हमने सारे रूल डिस्कस कर लिए हैं
और नाइन्थ रूल क्या है, एक्चुअली इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है. अब वो वर्ब कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डिसाइड, मैनेज, है ना, वॉन्ट, एग्री, सीम, अपीयर, कंसीडर, प्रिटेंड, विश, मैनेज, ओके, वुड लव, वुड लाइक, वुड प्रेफर, वुड हेट, ऐसी बहुत सारी, एक लिमिट नहीं है इन वर्ब्स की, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं. मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स डिस्कस किए हैं, जैसे हम इसमें दे सकते हैं एडजेक्टिव भी ले सकते हैं, इजी, डिफिकल्ट, तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिन्हें हमें क्रैम करना पड़ता है. तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपके साथ डिस्कस किए हैं कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इन्हीं में से कुछ भी वर्ब मिल जाती है तो आप क्या लगाओगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे. तो ये आपका एक लेक्चर था किसके ऊपर, टू प्लस इन्फिनिटिव पर. सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे मे बी बेनिफिटेड. थैंक्स.